स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 होलीडे होमवर्क 2 की इस वीडियो के पार्ट 3 में हम लोग वर्कशीट 13 और उससे आगे की समझेंगे, उससे आगे के वर्कशीट को समझेंगे। वर्कशीट 13 एंड 14 में हमें डेसिमल से संबंधित एक्सरसाइज है जिसे हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा है, जिसमें हमें फर्स्ट जो है नंबर राइटिंग फिगर 21.3 को फिगर में लिखना है, तो 21.3 डेसिमल लगा कर 3 लिख दिए, हो गया। और पैलेस वैल्यू की बात है तो जैसे कि 701.64 है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, डेसिमल के पहले जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट उसे हम होल नंबर के रूप में होल नंबर होते हैं, और डेसिमल के बाद वाले नंबर जो होते हैं डेसिमल पार्ट होते हैं। तो या तो ऑलरेडी पहले से होल नंबर को हम जानते हैं कि 1, 10, 100, डेसिमल के बाद वाले डिजिट का पैलेस वैल्यू होता है या टेंथ्स होते हैं, यानी 6 टेंथ्स यानी 6/10, 400 यानी 4/100, आगे है तो 1000, 10000, इस तरह से इसके पैलेस वैल्यू होते हैं। तो 4 का पैलेस वैल्यू हो गया 400 यानी 4/100, 6/10 यानी 6/10, 1 का पैलेस वैल्यू 6 1s यानी 1, 0 का पैलेस वैल्यू 0 10s यानी 0, और 700 यानी 700। तो इस तरह से इसके पैलेस वैल्यू होते हैं। तो किसी भी डिजिट का आपको पैलेस वैल्यू पूछा जाए तो उसे आप लोग हम समझते हैं कि आप लोग जरूर लिखेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें सर्कल किए गए डिजिट का आपको पैलेस वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 का पैलेस वैल्यू क्या हो जाएंगे, 5 टेंथ्स पैलेस पर है तो क्या हो जाएंगे 50। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एडिशन। वर्कशीट 14 में हमें एडिशन दिए गए हैं, डेसिमल की लाइन ऑलरेडी यह अरेंज की हुई है, क्या है अगर यहाँ पर कैरी आती है तो कैरी को हम लोग आगे ले जाते हुए डेसिमल के सामने डेसिमल यूज करते हुए इसको साधारण ऐड की तरह इसे भी ऐड कर लें। तो एडिशन आप लोग बना लेंगे वर्कशीट 14 में। आगे जो है वर्कशीट 15 में हमें सॉल्व फॉर द वेरिएबल दिया गया है। इसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, वेरिएबल दिए गए हैं तो क्या करना है, जैसे 0.08 इक्वल टू 0.8 मल्टीप्लाई वाई, यानी वाई का वैल्यू क्या होगा, तो वाई का वैल्यू जो है ऑलरेडी 0.08 या इधर मल्टीप्लाई के रूप में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मतलब क्या बाई 0.8, और इसको सॉल्यूशन कर लेंगे तो क्या आएगा 1/10। नहीं संभव है इस तरह से भी सॉल्यूशन करते हैं कि मान लीजिए भी ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह 100 से मल्टीप्लाई होकर 1, 2 डिजिट राइट साइड डेसिमल आ जाएगा तो यह 8 बन जाएंगे, या 100 से मल्टीप्लाई होकर 2 डिजिट राइट साइड डेसिमल आएंगे तो 81 डिजिट है, दूसरा डिजिट के लिए 080 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 10 80 1/10 यानी 0.01। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे, ऐसा सॉल्व आपके बुक में भी दी गए हैं। तो इस वर्कशीट को आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। आगे है वर्कशीट 16, जिसमें परसेंटेज को न्यूमरल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, जिसे आप लोगों ने बखूबी सीखा है, जैसे 20% यानी 20/100, 1/5 या इसको क्या लिख सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है तो ऐसे भी 1/5 होंगे, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो 0.02 होंगे, 0.2 होंगे। आगे है 40%, 40/100, इसको 0 से 0 डिवाइड कर दिए 4/10 यानी 0.4, और नहीं तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 5 और 2 इक्वल टू 2/5, तो इस तरह से यह अपने आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस परसेंटेज वर्कशीट 16 को आप लोग सॉल्व करेंगे। आगे है वर्कशीट 17, जिसमें प्रॉफिट और लॉस
प्रॉफिट और लॉस की चर्चा की गई है, जिसे हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो उसे समझ लेते हैं। क्या है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, पिछले कक्षा में पढ़े होंगे। एसपी यानी सेलिंग प्राइस और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो क्या होंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट हो तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। लॉस की बात करते हैं तो लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, और जब लॉस की कंडीशन हो तो सीपी जो होता है इक्वल टू एसपी प्लस लॉस, एंड एसपी जो होते हैं वह इक्वल होते हैं सीपी माइनस लॉस के। तो इन फार्मूला के आधार पर, इन फार्मूला को ध्यान से देखेंगे आप लोग नोट करके, और इस फार्मूला के आधार पर वर्कशीट 17 जो है इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि सीपी इक्वल टू ₹60, प्रॉफिट ₹4, देन एसपी बराबर क्या, यानी सीपी दिया हुआ है 60, प्रॉफिट 4, एसपी क्या होगा। यहाँ प्रॉफिट है तो एसपी के लिए प्रॉफिट वाले में फॉर्मूला खोजें, तो एसपी बराबर क्या होता है, एसपी हमको मालूम करना है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना दिया हुआ है ₹60, प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है ₹4 इक्वल टू ₹20। तो यह इस तरह से बाकी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हुए सॉल्व कर लेंगे। आगे वर्कशीट 18 में हमें टाइम से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कन्वर्सन प्रमुख है। कन्वर्सन में आप लोग जानते ही हैं कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 1 ईयर में 365 मंथ होते हैं, 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये सभी बात आप लोग, हम समझते हैं कि आप लोग जानते हैं, उसी के अनुरूप कन्वर्सन करना है। कि जैसे 237 सेकेंड दिया गया है, इसको हमको 237 सेकेंड को क्या चीज़ में लिखना है, मिनट और सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि 60 सेकेंड का एक मिनट होता है, 60 सेकेंड का एक मिनट होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 237 को 60 से डिवाइड करेंगे तो वह मिनट में कन्वर्ट होंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने 237 को 60 से डिवाइड किया तो क्या आया, 3 टाइम में 180 सब टाइम में 57। यह जो क्वाशेंट हुआ वह हो गया मिनट, और जो रिमाइंडर बच गया वह क्या हो गया, सेकेंड। आंसर हो जाएगा 3 मिनट 57 सेकेंड। आगे इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं कि 5 डेज 21 आवर्स को आवर में कन्वर्ट करना है। 5 डेज 21 आवर्स को किस चीज में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। तो यह तो ऑलरेडी आवर्स है, इस डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 डे में 24 आवर होते हैं, तो 5 डेज में कितने होंगे, 5 × 24 प्लस 21 आवर, 124 × 120 आवर प्लस 21 आवर, 120 आवर और 21 आवर को ऐड करेंगे 141 आवर। तो इस तरह से इसे कन्वर्सन जो है इसे आप लोग ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे। आगे टाइम से ही संबंधित एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 19, जिसमें आपको टाइम काउंट करना है, टाइम को जोड़ना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मीनाक्षी स्टार्टेड हर होमवर्क एट 7:20 PM। मीनाक्षी जो है अपना होमवर्क करना प्रारंभ करती है 7:20 PM यानी शाम में। शी फिनिश्ड इट एट 8:05 PM। वह जो अपना होमवर्क है 8:05 PM यानी शाम में ही, घंटे भर के अंदर ही खत्म कर लेती है। कितने टाइम में वो पढ़ाई करती है, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट टाइम है कितना था, वो फिनिश्ड वर्क एट 8:05 PM, स्टार्टेड द वर्क एट 7:20 PM, 8
5 PM में से 7:20 को घटाएंगे, 5 में से यहाँ नहीं घटेंगे, वहाँ से 1 बोरो ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 मिनट, तो 60 और 5 मिनट के 65 मिनट में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा 45, और 7 से यहाँ ये 1 बोरो ले चुके हैं, यहाँ 1 से 7 हो गया, 7 से 7 सब्ट्रैक्ट किए 0 यानी 45 मिनट। तो क्या होगा टाइम टेकिंग टू डू होमवर्क 45 मिनट। तो इसी तरह इसमें बाकी भी क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ऐसे ही टाइम को जोड़ेंगे कि कितने टाइम कोई वर्क हुआ, कोई शो चला या कुछ भी हो, इस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे। वर्कशीट 20 में है फाइंड द एरिया, दिए गए फिगर की एरिया मालूम करना है। एरिया क्या होती है, ऑलरेडी इस तरह की जो स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप की एरिया फिगर्स होती है उसकी एरिया के लिए उसके दो साइड लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ 10 cm और 10 cm है, एरिया इक्वल टू 10 cm इंटू 10 cm इक्वल टू 100 cm स्क्वायर। यहाँ पर 7 cm और 11 cm है, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 11 cm इंटू 7 cm इक्वल टू 77 cm स्क्वायर। 8 cm और 12 cm इनके दो साइड्स हैं, तो 12 cm इंटू 8 cm इक्वल टू 96 cm स्क्वायर। तो इस तरह से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके हम एरिया इस वर्कशीट के दिए गए सारे फिगर्स का मालूम कर लेंगे। आगे वर्कशीट 21 में हमें डाटा हैंडलिंग से संबंधित टैली मार्क्स को ध्यान से सीखना समझना है, जिसमें अगर आप टैली मार्क्स लिखना सीख जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोविंग, और दूसरे में क्या है टैली दिए गए टैली मार्क्स के लिए नंबर्स लिखना है। तो जैसे टैली मार्क्स क्या होती है, 1 के लिए टैली मार्क 1 लाइन, 2 के लिए 2 लाइन्स, 3 के लिए 3 लाइन्स, 4 के लिए 4 लाइन्स और 5 के लिए 4 लाइन लिखकर और 1 क्रॉस कर देते हैं। तो इस तरह से यह जो है 5 को दर्शाता है। अब फिर 6 लिखना है, 6 क्या होगा 5 और 1 6, 7 लिखना है तो 5 2 7, 8 लिखना है तो 5 और 3 लाइन्स 8, 9 लिखना है तो 5 और 4 लाइन्स 9, और 10 लिखना है तो 2 5 लाइन्स यानी 2 जो है इस तरह से 10 के लिए यह हो गया 5, यह हो गया 5 10। अब 11 लिखना है तो 10 के बाद 1 लगा दिए 11, 12 लिखना है 2 लगा दिए, 2 लाइन ड्रॉ कर दिए क्या हो गया 12, 3 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे तो यह हो जाएगा 30, 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यह हो जाएंगे 40, और इसको ऐसे फिर क्रॉस कर दिए तो यह हो गया 50, फिर आगे 60 लिखना है तो 1 लाइन और ड्रॉ कर दिए 60। तो इस तरह से बहुत ईजी है क्या टैली मार्क्स, जिसे आप लोगों ने समझा होगा, और उसी के आधार पर अब इसको मैच करना है कि 1 से कौन मैच होगा, 2 से कौन मैच होगा, 5 से कौन मैच होगा, और ये दिए गए टैली मार्क्स के लिए न्यूमरल लिखना है जिसमें 5 5 5 और 5 यानी यह 20 है, तो यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे, यहाँ 13 लिखेंगे। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आगे वर्कशीट 22 है जिसमें हमें ग्राफ्स दिए गए हैं, और ग्राफ्स में किस से संबंधित कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। ग्राफ्स के बारे में क्या लिखा गया है कि द ग्राफ टू बी राइट शोज द नंबर ऑफ प्लास्टिक बोतल कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट फॉर ए रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, यूज द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे ग्राफ दिए गए हैं जिसमें स्टूडेंट्स द्वारा प्लास्टिक बोतल कलेक्ट जो की गई उसकी संख्या दिखलाई गई है, तो उस संख्या के आधार पर इस ग्राफ को देखकर हमें आंसर लिखना है कि हाउ मेनी फ्यूअर प्लास्टिक कलेक्टेड बाय जस्टिन देन जोय, जस्टिन द्वारा जोय से कितना कम प्लास्टिक बोतल कलेक्ट किया गया। तो जस्टिन द्वारा जोय से, तो जोय कितना प्लास्टिक बोतल कलेक्ट किया है इसकी ग्राफ को देखते हैं तो क्या मालूम होता है 60, तो 60 और जस्ट
जस्टिन कितना कलेक्ट किया है इसकी ग्राफ को देखिए, 20 के सामने है तो 20, तो कितना कम किया है तो 60 - 20 = 40, तो 40 कम बोटल्स कलेक्ट किए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फ्यूअर प्लास्टिक बोटल वेयर कलेक्टेड बाई जस्टिन एंड पीटर। जस्टिन जो है पीटर से, जस्टिन पीटर से कितना कम प्लास्टिक बोतल कलेक्ट किया है, तो कितना कम किया है, पीटर जो है 80 कलेक्ट किया है और जस्टिन 20 किया है, 80 - 20 = 60। आगे है हाउ मेनी प्लास्टिक बोतल वेयर कलेक्टेड बाई जोए दैन टीम। हाउ मेनी प्लास्टिक बोतल वेयर कलेक्टेड बाई जोए दैन टीम, जोए द्वारा कितना प्लास्टिक गया है टीम, तो जो है कितना करता है 60 और टीम कितना करता है 40, तो 60 में और हाउ मेनी प्लास्टिक बोतल वेयर कलेक्टेड बाय जोए दैन टीम, टीम कलेक्ट करता है 60 और यह जोए 60 - 40 = 20। डी में है हाउ मेनी मोर प्लास्टिक वेयर कलेक्टेड बाय जोए दैन टीम, जोए और टीम, जोए कहाँ है यहाँ, कितना है 60, टीम कितना है 40, 60 - 40 = 20। ये क्वेश्चन नंबर सी जो है थोड़ा सा कंफ्यूज पैदा करता है, हाउ मेनी प्लास्टिक वेयर कलेक्टेड बाय जोए एंड टीम होना चाहिए था, दैन टीम की जगह है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ करते हैं जो है 60 + 40 = 100। यह क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन युक्त है, तो उसके बाद है हाउ मेनी प्लास्टिक बोटल वेयर कलेक्टेड बाय जोए एंड जस्टिस कंबाइंड, ई में है तो जोए और जस्टिस दोनों मिलके कितना कलेक्ट करते हैं, जोए 60 और जस्टिस 20, यानी 60 + 20 यानी कि। तो इस तरह इस क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग सोल्यूशन करेंगे। आगे वर्कशीट जो है 33, बाकी की आंसर यहाँ दी गई है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, वर्कशीट है 23, जिसमें हमें ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि यह क्वाड्रिलेटरल की विभिन्न शेप दी गई है, इसके नाम को लिखना है, इसके नामों को लिखना है। जैसे ए में दिया गया है उसका वह जो है फोर साइड इक्वल है यानी स्क्वायर है, दूसरे में भी फोर साइड इक्वल ही है लेकिन एंगल जो है डिफरेंट है, अपोजिट एंगल, इसलिए यह रोम्बस है। यह फिगर सी ट्रेपीजियम है, डी जो है पैरेललोग्राम है, ई में ट्रेपीजियम है, एफ में यह फिगर रेक्टेंगल का होगा, जी में रोम्बस और एच में फिर पैरेललोग्राम की फिगर दी गई है, इसे आप लोग बुक में फिल करेंगे। इस तरह से ये अपना होलीडे होमवर्क बुक की टोटल एक्सरसाइज 23 जो है उनका अध्ययन किए हम लोग, तो इस सभी वर्कशीट को आप लोग जो बुक में सॉल्यूशन होने वाले हैं बुक में, अन्यथा कॉपी में इसका 5 रुपीज वाली जो क्लासमेट की कॉपी होती है उसमें सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स।